अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम मेडिकल कॉलेज रायपुर में विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस पर स्किल सेल की स्क्रीनिंग और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री साय शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में देश 2047 तक विकसित भारत का रूप ले लेगा और भारत से सिकल सेल एनीमिया की बीमारी भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। बता दें कि जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सिकल सेल जागरूकता रथ को रवाना किया और सिकल सेल पीड़ितों को जेनेटिक कार्ड का वितरण किया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री, आदिम जाति कल्याण मंत्री, शिक्षा मंत्री मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित था। जागरूकता का एक कार्यक्रम था। सिकल सेल बीमारी एक अनुवांशिक बीमारी है और छत्तीसगढ़ के अंदर में करीब 1 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हुआ है, जिसमें से करीब 3 लाख लोगों में लक्षण पाया गया है और 22,500 लोग उसके पेशेंट पाए गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस बीमारी के उन्मूलन के लिए चिंतित हैं और इसके लिए अभियान चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी हमारा स्वास्थ्य विभाग और रायपुर विभाग लगा हुआ है। हमारे प्रदेश के पिताजी पहले और स्वास्थ्य के भी सभी लोग इसके लिए चिंतित हैं और हमको लगता है विशेषकर ये बीमारी जागरूकता लाने का है और वो काम हमारी सरकार स्वास्थ्य विभाग और ट्रैवल विभाग के माध्यम से कर रही है और हमारे देश के विद्वान शोध में लगे हैं कि बीमारी का उन्मूलन हो और 2047 तक इस बीमारी का उन्मूलन का हमारे प्रधानमंत्री जी की भी सोच है और जिस तरह से प्रयास हो रहा है हमको पूरा विश्वास है कि उद्देश्य में हमारा देश सफल होगा।